ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसे भयानक और खूंखार इंसानी प्रजाति की जो आज भी जानवरों का खून पीती है। अफ्रीका को कई मशहूर ट्राइब्स और ठिकानों के तौर पर जाना जाता है। इनकी अपनी अलग अलग परंपराएं और रिवाज हैं। इनमें से एक है मसाई ट्राइब्स, जिनके चरवाहों और योद्धाओं के रूप में पहचान है। ये तंजानिया और केनिया के इलाकों में रहते हैं। मैं उनके बारे में आपको बहुत से रोचक बातें बताने वाला हूं। अपने कल्चर और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के पास रहने के चलते ये काफी मशहूर हैं। ये ज्यादातर मसाई मारा, सेरेंगेटी, अम्बोसेली जैसे रिजर्व के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या 10 लाख के करीब है। इनके अपने बनाए मौखिक नियम कायदे हैं जो इनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को सिमटते हैं। मसाई समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और उसी के फैसले माने जाते हैं। इनके लाल रंग के कपड़े से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे शुका कहते हैं। इनके यहां मौत के बाद शव दफनाया नहीं जाता बल्कि खुले में छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि शव दफनाने से जमीन खराब हो जाती है। मसाई आदिवासी घुमंतुओं की तरह जीते हैं ताकि इनके जानवरों को चरने के लिए नई जगह मिल सके। इनकी जिंदगी में जानवरों की भूमिका काफी अहम है। यह मसाई आदिवासियों के खाने का जरिया है। इनकी संपत्ति इनके जानवर और बच्चों की संख्या से तय होती है। मसाई खाने के लिए दूध और मीट से लेकर कुछ खास मौकों पर एनिमल ब्लड तक का इस्तेमाल करते हैं। खतना के बाद या फिर बीमारी और डिलीवरी जैसे मौकों पर ये जानवरों का खून पीते हैं। जानवरों के खून को इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नशा कम करने के लिए, हैंगओवर कम करने के लिए भी खून पीते हैं। जानवरों का खून दो तरीकों से पिया जाता है। पहले तरीके में जानवरों की गर्दन पर तीर से छेद करके कुछ मात्रा में खून इकट्ठा किया जाता है। दूसरे तरीके में जानवरों की गर्दन काटकर सीधे ही मुंह में लगाकर खून पिया जाता है। ये जहां भी जाते हैं छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, जिसके चारों ओर फेंसिंग होती है। मसाई जनजाति के लोग की यह परंपरा अब खत्म हो चुकी है। पहले यहां मर्द बनने का एक ही तरीका था, भाले से शेर का शिकार करना। जानवरों की खाल इनके यहां बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।